महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर भले ही तस्वीर साफ नहीं हो पा रही हो, लेकिन हर पल सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बदली सियासत के बीच हवा का रुख जो है कभी इधर तो कभी उधर। शिवसेना और एनसीपी में नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वहीं बीजेपी संघ की शरण में है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर पल पल तस्वीर बदल रही है। इस बदलती तस्वीर के बीच बयानबाजी के साथ साथ सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, जिससे महाराष्ट्र में समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। बदलते समीकरणों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है, वो चिंता उन्हें भी जताई बातचीत में। इस मुलाकात का मकसद बीजेपी को ये दिखाना है कि शिवसेना एनसीपी के साथ जा सकती है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है और बीजेपी को लगातार आंखें दिखा रही है। बीजेपी भी जीत पर अड़ी है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को जो बीजेपी ने शिवसेना को प्रस्ताव भेजा था, उसको लेकर संजय राउत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अब ना तो कोई प्रस्ताव आएगा और ना जाएगा, यानी दोनों ओर से तनातनी जारी है। कोई प्रस्ताव न आएगा न जाएगा, प्रस्ताव जो पहले से था ठरल्या प्रमाण करा, जो तय हुआ है, जिस बातों पर सहमति हुई है वही आप आगे लेकर जाइए, यही प्रस्ताव है, नया प्रस्ताव नहीं। उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर महाराष्ट्र पर बिना वजह राष्ट्रपति का शासन थोपने की कोई साजिश कर रहा है तो ये महाराष्ट्र की जनता का जनादेश का सबसे बड़ा अपमान होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा और ये अधर्म की जीत होगी। सरकार बनाने को लेकर जो बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ी हुई है, इस तल्खी के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार की रात संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये मुलाकात महाराष्ट्र में सरकार बनाने की राह को आगे बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और शिवसेना के तेवरों से लग रहा है कि वो झुकने के मूड में नहीं है। R9 TV के लिए मुंबई से संजीव प्रभाकर की रिपोर्ट।